परी की जादुई चूड़िया। नेहा अपनी माँ सरिता और पिता राजीव के साथ रहती थी। राजीव एक बहुत बड़ी फैक्ट्री का मालिक था और सभी काफी खुशी से रहते थे। नेहा स्कूल जाया करती थी। नेहा एक काफी अच्छी और खूबसूरत लड़की थी। वो सभी की मदद किया करती थी। एक दिन राजीव को अपनी तबीयत खराब लगती है, इस वजह से वो घर में आराम करने लगा। राजीव की दवाइयाँ भी चल रही थी। उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, लेकिन एक दिन अचानक से राजीव की मृत्यु हो गई। नेहा और सरिता को बहुत दुख हुआ। वो बहुत रोए, पर वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। राजीव की मृत्यु होने के बाद घर में पैसे भी नहीं आ रहे थे, जिस वजह से वो दोनों अब दो ही समय का खाना खा पा रहे थे। राजीव की मृत्यु होने के बाद नेहा बहुत उदास सी रहने लगी और वो दोनों ही अब गरीब हो चुके थे। अपने बेटी का पेट भरने के लिए सरिता ने दूसरों के घरों में काम करना शुरू किया, क्योंकि सरिता के पास अब कमाने का यही तरीका था। पैसे ना होने के कारण अब नेहा स्कूल नहीं जाती थी और वो भी अपनी माँ के साथ घर के कामों में हाथ बटा दिया करती थी। पर अब तो नेहा की सारी सहेलियाँ उसका बहुत मजाक बनाती, जिस वजह से वो सभी नेहा का बहुत मजाक बनाते। लेकिन नेहा किसी की भी बातों का ध्यान नहीं देती। सरिता जहाँ पर काम करती थी वहाँ की मालकिन बहुत ही नेक दिल और अच्छी थी। वो हर बार सरिता को अपनी बेटी के कपड़े या कुछ खाने को दे दिया करती थी। मालकिन की बेटी का नाम था प्रिया और प्रिया के कपड़े नेहा को आराम से आ जाते थे। रिया एक बहुत ही स्टाइलिश और घमंडी लड़की थी, जो कि सरिता से भी हमेशा दूरी बनाकर रखती। तो ऐसे ही एक दिन मालकिन काम से बाहर चली जाती है और जब प्रिया सोकर उठती है और फ्रेश हो जाती है, तभी वहाँ पर सरिता खाना लेकर आती है। दूर हो जाइए आप मुझसे, आप खाना क्यों लेकर आ रही हैं? हर रोज तो माँ खाना लेकर आती है। प्रिया, आज मालकिन कहीं बाहर गई है और उन्होंने बोला था कि जब प्रिया उठ जाए तो मैं तुम्हें खाना दे दूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, अब आप चली जाइए। प्रिया बहुत ही घमंडी थी, जिस वजह से वो गरीबों से सख्त नफरत करती थी। इतना अमीर होने के बाद भी आज तक उसने किसी की भी मदद नहीं करी। वो बहुत ही पैसे खर्च करती थी। मालकिन भी परेशान हो चुकी थी, पर वो कुछ नहीं बोलती थी, क्योंकि अगर मालकिन कुछ बोलती तो प्रिया घर छोड़कर भाग जाने की धमकी देती, क्योंकि वो बचपन से ही इतने लाड प्यार में पली बड़ी थी। और जब वहाँ सरिता ये सारी बातें अपनी बेटी नेहा को बताती तो नेहा को ये जानकर बहुत बुरा लगता। माँ, आप काम करने ही मत जाओ, वो आपका इतना मजाक बनाती है, हर वक्त आपको नीचा दिखाती रहती है। क्या हो गया फिर, वो भी तेरी तरह मेरी बेटी ही है और अब पैसे कमाने के लिए कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ेगा ना बेटी। अच्छा, तो वो अमीर है तो कुछ भी करेगी, आप मालकिन को कुछ बोलती क्यों नहीं है? मैं क्या कह सकती हूँ, मालकिन भी बहुत परेशान है, पता नहीं प्रिया ऐसा क्यों करती है। ये सब देखकर नेहा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि सरिता किसी और के घर में काम करने जाए और वहाँ पर कोई भी सरिता की बेइज्जती करे। तो ऐसे ही एक दिन वो सोचती है, मुझे भी काम करना चाहिए, माँ दूसरों के घरों में काम करने जाती है, पिताजी के जाने के बाद माँ ने मेरी देखभाल की है, पर अब से माँ किसी के घरों में काम नहीं करेगी और अब से मैं काम करूँगी। और यह बात नेहा अपनी माँ सरिता को बताती है। सरिता मना कर देती है कि वो अभी बहुत छोटी है और उससे अभी कोई काम नहीं हो पाएगा, लेकिन नेहा कहाँ मानने वाली थी और वो इस बारे में सरिता से बात करती है। नहीं बेटी, तेरे पिताजी के गुजर जाने के बाद मैं नहीं चाहती कि तुझे किसी भी तरह का दुख हो, पर माँ मैं नहीं चाहती कि आप किसी के घरों में काम करने जाओ और कोई भी आपकी बेइज्जती करे, तो इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं चूड़ियाँ बेचूंगी। नेहा की बात सुनकर सरिता को लगता है कि नेहा ठीक कह रही है और सरिता ने जितने भी पैसे जमा करके रखे थे वो पैसों से
एक दिन बहुत सारी चूड़ियाँ लेकर आती है और नेहा उन चूड़ियों को बेचने के लिए चली जाती है। लेकिन नेहा की चूड़ियाँ नहीं बिकती, उसे बहुत बुरा लगता है। और अब सरिता को ये चिंता सताए जा रही थी कि अगर इतने पैसे लगाने के बाद चूड़ियाँ नहीं बिकी तो सरिता को बहुत बुरा लगेगा। लेकिन नेहा ने हार नहीं मानी। वह हर रोज चूड़ियाँ बेचने जाती। हर रोज उसकी चूड़ियाँ खरीदने के लिए 2 से 3 लोग ही आया करते थे। आसमान से गुजर रही परी रोज नेहा को देखती कि उसकी चूड़ियाँ नहीं बिक रही। ये देखकर उन परी को बहुत बुरा लगता। तो ऐसे ही एक दिन वो परी अपने परी लोक से पृथ्वी लोक पर आई। उस वक्त नेहा भी चूड़ियाँ बेच रही थी। तभी वहाँ पर वो परी प्रकट हुई। परी को देखकर नेहा हैरान रह गई। अरे आप तो परी है ना? हाँ नेहा, मैं परी हूँ। मैं काफी दिनों से देख रही हूँ कि तुम चूड़ियाँ बेचती हो, लेकिन तुम्हारी एक भी चूड़िया नहीं बिकती। हाँ मेरी एक भी चूड़िया नहीं बिकती। मेरी माँ दूसरों के घरों में काम करने जाती थी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मेरी माँ दूसरों के घरों में काम करने जाए। जिसके बाद मैंने सोचा कि मुझे चूड़ियाँ बेचनी चाहिए, लेकिन मेरी चूड़ियाँ भी नहीं बिक रही। नेहा तुम परेशान मत हो, तुम बहुत ही बहादुर लड़की हो। अपना दिल छोटा मत करो और ये लो जादुई चूड़ियाँ। तुम इस चूड़ी को पहनकर अपनी सारी चूड़ियों को छू लो, जिसके बाद तुम्हारी सारी चूड़ियाँ बिक जाएगी। पर इस चूड़ी में ऐसा क्या है? ये जादुई चूड़ियाँ हैं। ये देखकर नेहा बहुत खुश हुई, जिसके बाद वो परी चली गई और नेहा ने उन चूड़ियों को पहना और अपनी सारी चूड़ियों को छू लिया, जिसके बाद धीरे धीरे वहाँ पर बहुत सारे ग्राहक आने लगे और शाम तक ही नेहा की सारी चूड़ियाँ बिक गई। वो बहुत खुश हुई और उसने घर जाकर ये बात अपनी माँ को बता दी। वो बहुत अच्छी परी है माँ, उन्होंने मेरी मदद की है। हाँ बेटी, ये तो बहुत अच्छी बात है। और उस दिन से नेहा रोज चूड़ियाँ बेचने जाती और शाम तक उसकी सारी चूड़ियाँ बिक जाती। और ये सब कुछ उस जादुई चूड़ियों की वजह से ही हो रहा था। अब सरिता दूसरों के घरों में काम करने भी नहीं जाती थी और अब वह समय पर खाना भी खा रहे थे। दोनों ही बहुत खुश थे। कुछ ही समय में उनके पास एक बड़ा घर आ गया, जिसमें कि वो बहुत खुशी से रह रहे थे। अब नेहा ने एक चूड़ियों की दुकान खोल ली थी, जिसमें कि वो बहुत अच्छी अच्छी और रंग बिरंगी चूड़ियाँ बेचती थी और काफी लोग नेहा की दुकान पर ही आया करते थे। और ये देखकर नेहा भी बहुत खुश थी। तो ऐसे ही एक दिन प्रिया को किसी की शादी में जाना होता है और वो चूड़ियाँ खरीदने के लिए अपनी माँ के साथ नेहा की दुकान पर आती है। अरे माँ देखो, ये दुकान कितनी बड़ी है और अच्छी भी लग रही है। जिसके बाद दोनों दुकान के अंदर जाते हैं और जैसे ही प्रिया नेहा को देखती है तो वो देखकर हैरान रह जाती है। नेहा ये दुकान तुम्हारी है क्या? हाँ प्रिया, ये दुकान मेरी है। बोलो तुम्हें कैसी चूड़ियाँ चाहिए? मुझे लाल रंग की अच्छी सी चूड़ियाँ दिखा दो। जिसके बाद नेहा प्रिया को लाल रंग की चूड़ियाँ दिखाती है और फिर प्रिया उन चूड़ियों को लेकर चली जाती है। लेकिन घर जाकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो सोच लेती है कि वो अपना बदला लेकर रहेगी। और अगले ही दिन वो नेहा और सरिता से माफ़ी मांगने जाती है। नेहा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारी माँ की बेइज्जती करी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आंटी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने हमेशा आपको नीचा दिखाया और आपकी गरीबी के लिए हमेशा मजाक बनाया। अरे प्रिया बेटी, तुम उन सारी बातों को भूल जाओ। मैंने तो उन बातों को कब का भुला दिया और तुम उन बातों को अभी तक लेकर बैठी हो। तुमने गलती तो की है, पर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, ये अच्छी बात है। जिसके बाद बात करते करते प्रिया नेहा से पूछ लेती है कि ये सब कैसे हुआ। नेहा भी बता देती है कि उसको एक परी ने जादुई चूड़ियाँ दी थी। अच्छा तो ये सब उस जादुई चूड़ियों की वजह से हुआ है। मैं एक काम करती हूँ, मैं उन चूड़ियों को चुरा लेती हूँ। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और प्रिया
अभी तक अपने घर पर नहीं गई थी। प्रिया, आज तुम मेरे घर पर ही रुक जाओ, देखो कितनी रात हो चुकी है। अरे नहीं नहीं नेहा, मुझे जाना होगा, माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। अरे प्रिया बेटी रुक जा, मैं उनसे बात कर लूंगी। और वैसे भी प्रिया तो यही चाहती थी कि किसी बहाने वो नेहा के घर पर रुक जाए, क्योंकि प्रिया को नेहा की चूड़ियां जो लेनी थी, जिसके बाद सभी खा पी कर सो जाते हैं। प्रिया भी गेस्ट रूम में सोने चली गई, लेकिन थोड़े देर बाद ही उसकी आँख खुली और वो दबे पाँव प्रिया के कमरे में जाकर वो जादुई चूड़ियां ढूंढने लगी। बहुत ढूंढने के बाद उसे जादुई चूड़ियां मिल गई, जिसके बाद प्रिया ने उन चूड़ियों को जैसे ही उठाया, उसके हाथ में जोरदार करंट लगा और वो बहुत ही तेज चिल्लाने लगी। प्रिया की आवाज़ सुनकर नेहा उठी और बोली, अरे अरे प्रिया तुम्हें क्या हो गया, तुम ठीक तो हो ना? और तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? तुम मेरी चूड़ियां लेने आई हो ना? मतलब तुमने मुझसे जो माफ़ी मांगी वो झूठी थी, तुम्हें कोई भी अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ? नहीं नहीं प्रिया, मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। सच में तुम बहुत ही अच्छी हो, मेरी ही गलती है। एक तो तुमने मुझे अपने घर में जगह दी और मैंने ही तुम्हारी चूड़ियां चुराई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर तुमने मुझे माफ कर दिया। प्रिया तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हो गया है, ये बहुत अच्छी बात है, पर मैं चाहती हूँ कि आज के बाद तुम कभी भी ऐसा मत करना। पता है जब भी तुम मेरी माँ की बेइज्जती करती थी और माँ मुझे आकर बोलती थी तो मुझे बहुत बुरा लगता था, और मैं हर वक्त यही सोचती थी कि मैं तुम्हें किसी तरह तुम्हारी गलती का एहसास कराऊं, पर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, ये बहुत अच्छी बात है। और अब सच में प्रिया को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, नेहा भी बहुत खुश थी।